अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरिम बिलोज। उम्मीद है सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज जो है बिलाल साहब मेरे साथ हैं और सीन ये है कि मंडे और इनकी छुट्टी है आज और आपका भाई तो ब्लॉगिंग के लिए ऑलवेज फ्री। तो गुलाम शाह कलोड़ो आए हुए मुझे तकरीबन एक दो साल हो चुके हैं ना, बिलाल के साथ ही आया था और एक और दोस्त था, आज थोड़ा बिजी था तो इस वजह मैं उसको लेके आ नहीं सका। तो सीन ये है कि गुलाम शाह कलोड़ो का ब्लॉग पार्ट टू आज शूट करने आया हूँ मैं। बस ये है कि अंधेरा होने वाला है और बस जल्दी जल्दी शूट को कवर करना है ब्लॉग का, सिनेमैटिक्स की तब चलते हैं अभी, उसके बाद अंदर चलेंगे। ठीक है, तो यार थोड़े शॉर्ट और फिर अभी अंदर चलते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो इस वजह से शूट को जो है जल्दी कवर करते हैं। आज असल में मंडे है और आई थिंक फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। आई थिंक क्या बल्कि वाकई में फैमिली ज़्यादा आई हुई है आज। तो इस मास्क को मैं उतार देता हूँ, यहाँ जो ना ये इस साइड पर निशान रहता है तो इस वजह से। बाकी ये पूरा जो ना रिकन्स्ट्रक्ट हो चुका है, लास्ट टाइम जो ब्लॉग था उसमें कंस्ट्रक्शन थी, अभी जो है पूरा कम्प्लीट हो चुका है और बाल एज ऑलवेज ख़राब आ रहे होंगे यू नो। तो यार ये गुलाम शाह कलोड़ो का मज़ार है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी तरफ चलते हैं क्योंकि मुझे तो इतनी नहीं पता बोर्ड पे जो लिखी हुई है वो मैं दिखा सकता हूँ थोड़ी बहुत। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट होने में टोटल कॉस्ट इसकी लगी है 29 मिलियन, ठीक है। स्पॉन्सर बाकी एजेंसी वगैरह लिखी है, जो भी है डेट ऑफ स्टार्ट लिखी है, स्टेबलेटेड डेट लिखी हुई है। बाकी ये पहले जो था ये पूरा ऐसा था, मतलब कोई भी शेप नहीं दी हुई थी और ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जीओएस एंड सो ऑन। बाकी ये पूरी हिस्ट्री लिखी है, पोस्ट करोगे तो सारी पढ़ने में आ जाएगी। तो यार अभी असल में टाइम की शॉर्टेज की वजह से कोई बंदा है नहीं जो बैठ के हिस्ट्री बताए और मुझे भी पूरा शूट कवर करना है। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट हैं ओवरऑल में कवर करना है गुलाम शाह कलोड़ो को। किसी और दिन आएंगे, किसी बंदे को बिठाएंगे, उससे हिस्ट्री मालूम करेंगे इसकी पूरी। मदार के बारे में तो नहीं, वो तो यहाँ पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ था। एक्चुअली गुलाम शाह कलोड़ो कौन थे ब्रीफली डिस्क्राइब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी गुलाम शाह कलोड़ो की उसमें मैं करूँगा, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं थोड़ा करीब क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये पीछे जो है कबर बनी हुई है, ये भी बना हुआ है यहाँ पे, ये पूरा ओवरऑल। आपके बारे में आप बताएं क्या रहा है, मतलब कैसा खूबसूरत हो गया पहले से? पहले आए थे तो ये बिल्कुल ख़त्म लगा हुआ था, इस तरीके से ईटें नज़र आ रही थी। अब इसको रिफर्निश किया गया है तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन एक बात है, 29 मिलियन लगे होंगे इस पर? 29 मिलियन तो नहीं लगा, वो कम ही लगा हुआ। लाइक 2 मिलियन हो गए, 20 लाख, 29 मिलियन हो गए, 2.5 करोड़, कम ही लगे होंगे। अभी पीछे का काम भी पकाया या तो हो सकता है रेनोवेट होगा और रेनोवेट होगा। बाकी अंदर चल के देखते हैं, अंदर भी काम हो रहा हो तो पता लग जाएगा। तो यार मगरिब जो है हो चुकी है और अंधेरा ऐसा ऐसा होता जा रहा है, तो इससे पहले कि रात हो जाए पूरी यहाँ से जो है चलते हैं और ब्लॉग
इतना ही था अनफॉर्चुनेटली, छोटा था, लेकिन ये है कि मुझे खुद देखना था कि रिकन्स्ट्रक्ट हो के कैसा लग रहा है। और अभी भी काम जो है चल रहा है अंदर से। आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और थैंक्स टू बिलाल कि वो आए। और नेक्स्ट व्लॉग में आज तुम्हें देंगे इंशाल्लाह जब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आज तुम बिजी थे। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन दिस इज राइन लोजान साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तस्वीर वीडियो बन रही है।